बहुत अच्छा मानते हैं ये तो, और ये रोज़ होना चाहिए सुबह शाम। इससे क्या है कि कीटाणु सब मर जाए, और नगर निगम अच्छा काम कर रही है इसलिए। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये नगर निगम ये काम कर रही है। इससे क्या है कि अपने को सबको बचाव होगा, बचाव के साथ में कचरे का भी ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी आती है गाड़ी में ही डालें, नालियों में न फेंके, छत से न फेंके। इससे क्या है कि आम जनता को ही फायदा होगा इससे। आज आपके कौन से मोहल्ले में है, क्या वार्ड था? ये 13 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड में ये आए हैं। सुबह डाल के गए, अब शाम को भी डाल के जाएंगे। आपका नाम? टीकम चंद सिंह। दवाई छिड़कना तो अच्छी बात है, और ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है सबको, और परेशानी 13 नंबर वार्ड के अंदर आया है। आज निगम वालों ने भेजा है दवाई छिड़कते हुए, और कचरा मतलब कि ना फेंके अपने, जहाँ पे सुबह गाड़ी आती है, गाड़ी वाले भी आते हैं सुबह सुबह, उसके अंदर ही डालें। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? बस जितनी मतलब कि जितनी परेशानी आ रही है, और निगम अच्छा काम कर रहा है, तो जगह जगह ही दवाई छिड़कना ज़रूरी है। आपका नाम? चरण देव कश्यप। ऐसा जी, हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने माननीय आयुक्त महोदय गजेंद्र सिंह जी रलावता साहब, महापौर जी धर्मेंद्र जी गहलोत साहब ने जो है एक कोरोना वायरस से लड़ने की कमर कस ली है, और नगर निगम तत्पर है। 60 वार्डों में 60 जो है P2 दिए गए हैं, हर वार्ड में जो है 2-2 कर्मचारी लगाए गए हैं, और ये कोरोना का जो है यहाँ से खात्मा करके ही सांस लेंगे हम, दम लेंगे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि जो साफ़ सफाई रखे, और कचरा रोड पे न डाले, और कचरे को जो है कचरा पात्र में डाले, कर्मचारी आता है उसको कचरा उसको दिया जाए, और जो गाड़ी आती है उसमें कचरा डाला जावे, ताकि कोरोना से हम जो है संघर्ष करने में कामयाब हो सके। किस तरह का आज आपने सर ये कराया आपने? आज ही मैंने वार्ड नंबर 13 के अंदर जो है, मैंने जो नगर निगम के माध्यम से जो भी हमें एक दवा दी गई है, जिसे हम जो है हर गली की नालियों मोहल्लों में जहाँ गंदगी है वहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। जिस प्रकार से जैसे नालियाँ हैं या कोई कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, उसमें हम जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, ताकि जो है पब्लिक को राहत दी। कितने टाइम होगी ये? एक वार्ड में करीब करीब हम जो है 10 दिन के अंदर हम फ्री हो जाएंगे। 10 दिन तक हमें छिड़काव करना है वार्ड के अंदर, एक वार्ड में हमें 10 दिन छिड़काव करना है। दो शिफ्टिंग में करेंगे, एक सवेरे वाले पारी में और एक दोपहर वाली पारी में। आपका नाम? अशोक कुमार टाक, जमादार, वार्ड नंबर 13।